अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का क्या सीन है, आज हमारे स्पोर्ट्स वीक का है लास्ट और फाइनल फिफ्थ डे और आज हम लोगों की होगी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। सबको अपनी अपनी हिस्से की ट्रॉफीज़ और प्राइजेस मिल जाएंगे और देखते हैं हमारे हिस्से में क्या आता है और हम डिप्टी को कितने प्राइजेस और कितनी ट्रॉफीज़ मिलती हैं। सारा मज़ा, सारे स्पोर्ट्स, जो भी सब कुछ होना था उसका आज खात्मा होने वाला है क्योंकि मंडे से हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और हमारा सेमेस्टर भी जल्दी एंड होने वाला है। तो अब फाइनल्स के लिए प्रॉपर सबको जल्दी जल्दी से तैयारी और पढ़ाई वगैरह होगी। जितना हमने हंसी मजाक तो नहीं, वो तो हम साथ साथ करते रहेंगे, पढ़ाई की मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। तो हम लोगों ने जितना भी खेल कूद करना था वो आज हमारा लास्ट है, उसके बाद मंडे से प्रॉपर हम लोग पढ़ाई पर ध्यान देंगे क्योंकि पढ़ाई भी इम्पॉर्टेंट है। टाइम हो रहा है 8:05 और मेरी दोस्त अभी तक नहीं आई है इसलिए मैं अपने डिपार्ट के बाहर बैठी हूँ। इतनी दूर से। अच्छा तो आप लोगों को पता चल गया होगा कि मेरी बर्थडे भी है आज। हैप्पी बर्थडे टू यू। कहाँ मरी हुई थी रात में? यार रात के लिए आई एम सो सॉरी, मैं सो गई थी। ये हो। A few inches later. ये सिमरा डीपीटी की शर्ट। सिम्बा वापस। अच्छा तो भाई मैंने अपनी शर्ट चेंज कर लिया, मैंने ब्लू शर्ट पहनी क्योंकि ऑलमोस्ट सबने ब्लू शर्ट पहनी हुई थी ताकि सब एक जैसे लगे पिक्चर्स के अंदर और अच्छा अच्छा लगे इसलिए। और मारिया के पैर में बहुत दर्द हो रहा है, उसकी रख खिंच गई है, कल मैं गई थी और आज मारिया उसके पास गई है। तो अभी मैं मुझे कुछ ये मिला है, मैं जाके देखती हूँ कि इससे उसका काम हो सकता है या नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। नवाब बन के बैठी मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का फायदा बहुत फायदा है, मैं भी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता। अच्छा तो मारिया को बैंडेज वगैरह दे के और फाइनली अटेंडेंस वगैरह लगवा के हम लोग आ गए कुछ पिक्चर्स लेने क्योंकि आज लास्ट है यार इस शर्ट के साथ, तो फिर एक साल बाद ये मौका आएगा हम लोग कुछ पिक्चर्स ले रहे हैं। मेरे साथ राहिबा मौजूद है और ये छोटा सा फ्लावर्स जो कि मुझे पिक्चर्स में बहुत पसंद होता है। गाइस पिक्चर्स वगैरह लेके मैं अभी भी फ्री हुई थी और पता चला कि हमारी गर्ल्स की अभी रेस हो रही है जिसके अंदर मैं भी जो है मैं कैप्टन ही हूँ रेस की और मैं अब जा रही हूँ अपनी गर्ल्स को बुलाने के लिए और मेरी भी रेस है। मेरा मसल आज थोड़ा ठीक हुआ था, लेट्स सी हम लोग अब क्या होता है, जीतते या नहीं जीतते। मैं अपनी गर्ल्स को बुला के लाती हूँ रेली रेस के लिए। गाइस हम यहाँ पर प्लानिंग करके बैठे हुए कि हम सिमरा आएगी फिर हम करेंगे बर्थडे विश उसको। गाइस देखो सिमरा कब आती है, आ रही है आ रही है आ रही है। सिमरा हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सिमरा, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये यहाँ पर हमारी तैयारी हो रही है रेस के लिए, एक बंदी हमारी कम पड़ गई है अचानक। ओह ये फिजियोथेरेपिस्ट होने का फायदा, सारी तकलीफें दूर। सो फुटबॉल ग्राउंड हम लोग आ गए हैं, हमारी रेस स्टार्ट होने वाली है थोड़ी देर में। अच्छा तो एक लड़की हमने अरेंज कर ली है, हमारी सीनियर है रूबा, वो हमारे साथ टीम में भागेगी और अभी बॉयज़ की भी होगी और गर्ल्स की भी रेली रेस होगी, देखते हैं कि हमारे बॉयज़ जीतते हैं या गर्ल्स जीतती हैं। गाइस रेस स्टार्ट होने वाली है बॉयज़ की, पोजीशन वगैरह सब अपने अपनी। ये हमारी डॉक्टर साहब सबसे बर्थडे तुम्हारे गिफ्ट हमको दिया, मेरा बेस्ट ऑफ लक काम आया। नर्सिंग हो रहा, नर्सिंग हो रहा, नर्सिंग हो रहा,
फाइनली मेरी आवाज बैठ गई। तो फाइनली गाइस हम लोग जो है रेस जीत चुके हैं और एक और ट्रॉफी हमारे पास आएगी इंशाल्लाह। तो अब आप लोगों को दिखाती हूँ आगे आगे क्या हो रहा है। बहुत मजे के सीन है, नर्सिंग और वर्सेस डीपीटी और भी टीम्स थी, बहुत मजा आया। डीपीटी को यहाँ फैलाया किसने? मारिया वर्सेस कर दो, दिखते भी नहीं हो कभी। इस बार हमारे साथ ना होने की वजह से भी तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया। थैंक यू सर। और अच्छी बात यही होती है कि इंसान जब मैदान में उतरता है ना तो ये नहीं सारे ढूंढते हैं। नहीं, 10 रुपए दो यार, कोई सक्का विक्का पड़ा हुआ है? मेरी जेब खाली है, मैंने कर दी थी खाली। नहीं यार मुझे वो चाहिए था जो पहले डाला था। इधर मुंह करो, बैग खुल गया। ये झोली में डाल दो, झोली में 10 रुपए 10-10 रुपए जमा करके चाय पी की मारिया। कुछ तरीका है भीख मांगने का? पैसे दो इसको, मैंने दे दिए। 100 रुपए डाल रहे बैग में है। हमारी यूनिवर्सिटी में फ्री का रूम है, सब्स पीने के लिए मिल रहा है। अच्छा तो कैंटीन से खा पी के हम लोग जो है अपने क्रिकेट ग्राउंड की तरफ आ गए हैं। क्या भाई क्रिकेट का फाइनल मैच चल रहा है दो टीम्स के दरमियान, अब वो कौन सी टीम से ये मुझे नहीं पता। तो अभी जो है हम लोग ओके हिम्स और फार्मेसी है ना, हिम्स और फार्मेसी भी जो फाइनल मैच चल रहा है। जैसे ही फाइनल मैच खत्म होगा फार्मेसी जीत गई भाई, फार्मेसी जीत गई। और अब हमारी क्लोजिंग सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। तो बस क्लोजिंग सेरेमनी स्टार्ट होती है तो मैं जल्दी से आपको दिखाती हूँ किसके हिस्से में कितनी ट्रॉफीज आई हैं और किसको क्या मिलता है। सारी ट्रॉफीज यहाँ पे रखी है गाइस, लुक। डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोथेरेपी guys, look at these all are the trophies of our department. Kitne 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aur uske baad asan ke baad se lage 10 wo 10 wo 10 trophies hum logon ne jeete hain. Number 10 the senior journalist sunil walon ki trophies check kare bhaiya. Zabardast zabardast. Master Farhan aapki trophy hai, Farhan aapki mera trophy dikha de. गाइस मजा आ गया, हम लोगों के डिपार्टमेंट ने पूरी 11 ट्रॉफीज विन की हैं और अभी हम लोग सेलिब्रेशन भी करेंगे थोड़ी सी। डॉक्टर सभा की वजह से हमने इतनी सारी ट्रॉफीज ले ली गाइस और मैम इमोशनल हो गई है।
सो इसी मौज मस्ती के साथ टाइम हो गया 5 बज गए और हमारे स्पोर्ट्स भी यहाँ पे इख्तिताम पे पहुँचते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।